कि बूढ़ा एकदम बेचारे है उनको पटक के मारा है। गाली में दीजिए चाची, गाली में दीजिए, उसको तो बर्बाद कर दे। नहीं गाली नहीं, माई के दूध पी के प्रशासन बन के आया है। हमने बकरी का दूध पी ले, हमने माई के धान पी के, बिल्ली का दूध पी के आए हैं, माँ का दूध पी के नहीं आए हैं, बिल्ली का दूध पी के आए हैं, भूख का दूध पी के आए हैं। इसलिए माँ बहन का अपना दर्द नहीं बुझ रहे हैं कि जेंट्सों के लेडीज पर लाठीचार्ज किए हैं, कितना अत्याचार मोदी कराया। यही हुआ है कि अभी तो मामला सारा कंट्रोल हो गया है, बट यहाँ जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने हमारी जो माले की नेता है, लीडर है मीना तिवारी, उनके साथ बदतमीजी की और वो गाली गलौज भी कर रहे थे और कहते मारो। जबकि बहरी सरकार के पास रह के हम लोग क्या करेंगे, ऐसी तरह कितना परिवार मेरा हत्या कर रहा है। की बात करते हैं, ये हिटलर से भी गए गुजरे हैं, इनको घटवार कहा जाए। हम लोग हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में उनको घटवार भी कहे तो वो कम हो। क्या पर्चा लेके आया है किसान, तो आप जब देख रहे हैं कि कोई उस तरह से हथियारबंद नहीं है, तो ये हथियार लेकर के आप तरह तरह से उकसाने का काम क्यों कर रहे हैं, लाठी ऐसे ऐसे बांधते हैं और महिलाओं को उसमें जो है सो खदेड़ रहे हैं। जितना पुलिस सिपाही एसपी जो भी हो, ये लोग किसान के बच्चा नहीं है, बोलिए किसान के बच्चा है ये लोग नहीं है। चाह रहे किसान वैसे ही रहे, किसान का बेटा जींस ना पहनेगा, किसान का बेटा ठंडा जैकेट ना पहनेगा, जो जैकेट पहन के आएगा किसान ना है, जो धोती पहन के आएगा वही किसान है। पूछिए यार इतने पुलिस वाले कितने लोग हैं जो किसान परिवार से नहीं है। नमस्कार, मैं आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। किसान बिल के विरोध में किसान महासभा द्वारा पटना में राजसभा मार्च आयोजित किया गया था। इस मार्च में राज्य के अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे थे, जो गांधी मैदान से एक साथ राजभवन के लिए निकले थे। तो आंदोलनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया, मजबूरन पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। आइए देखते हैं आंदोलनकारियों ने क्या कुछ कहा। यही हुआ है कि अभी तो मामला सारा कंट्रोल हो गया है, बट यहाँ जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने हमारी जो माले की नेता है, लीडर है मीना तिवारी, उनके साथ बदतमीजी की और वो गाली गलौज भी कर रहे थे और कहते मारो। जबकि वो रोक रही थी, लोगों को बैठाने आई थी, उसके बावजूद वो उन्हीं से जबरदस्ती कह रहा था कि भाई धक्का मारो, कौन है ये धक्का मारो, और प्लस मेल कांस्टेबल ने धक्का मारा आके, फिर बाद में फीमेल कांस्टेबल आई है। तो ये जो कि गलत है, सरासर गलत है। और जब कोई आपको मारपीट नहीं कर रहा, रोकने आई है वो, उसके बावजूद आप जबरदस्ती में लाठीचार्ज आप क्यों करवाए। तो ये मुद्दा जो है, ये महिला विरोध सरकार को सुधरना होगा और महिला पे जो विरोध, ये जो अत्याचार करते हैं ये लोग, महिलाओं का सर भी फटा है, लाठी पड़ी है महिलाओं का, पूरी महिला है उनका सर फटा है। मैं ये कहती हूँ कि जब महिला या लोग जब बैठ गए यहाँ पे, रुक गए सारे, तो फिर क्यों लाठीचार्ज तुम करोगे। कोई हम यहाँ पे डकैती करने नहीं आए, गोली नहीं चला रहे, हम बात कर रहे हैं। और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मैं ये बात बोलूंगी, उन्होंने हमारी मीना तिवारी को भी गाली दिया है और साथ में बोला है कि धक्का मारो, कौन है ये, इसको धक्का मारो, धक्का मारो, जो कि ये गलत है। कहाँ से हैं मैम आप? मैं अस्मा खान के पटना से। हमारे घर लग रहा था, हम लोग जाएंगे ना तो क्या करेंगे, इसी सरकार है बहरी सरकार के पास रह के हम लोग क्या करेंगे, ऐसी तरह कितना परिवार मेरा हत्या कर चुका है, हत्या की स्थिति में किसान चला गया है, तो हम लोग निराश होकर जाएंगे ना करेंगे। हम लोग की सरकार के यहाँ कोई आशा ना है, ना राज्य सरकार के यहाँ, ना केंद्र सरकार के यहाँ कोई आशा नहीं है। ये भोले भाले किसान के कोई पूछने वाला नहीं है। काला कानून बना करके मेरे बिहटा में सब पूंजीपति को जमीन खरीद के दे दिया गया, और वहाँ हजारों किसान विस्थापित भूमि बेकार हो गए और रोड पा गए हैं, क्या करेंगे लोग। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिनको जमीन सब घीन ले लिया गया, वो किसान क्या करेंगे, वो तो पूंजीपति को दे दिए, इनको टैक्स दे रहा है, और किसान क्या करेगा बेचारा, क्या वो किसान की इतना मुआवजा दे दिया, वो टाटा बिरला हो गया क्या। तो छोटे छोटे किसान की जमीन क्यों लेते हैं, वो अपने जांच करके बड़े बड़े किसान को जमीन ले। हजारों हजार किसान वहाँ विस्थापित भूमिहीन हो गए हैं, बीटा में 2500 कुछ एकड़ जमीन लिया गया है, सबके एक साथ एक लाठी डंडा से हकाया जा रहा है किसान को। तो किसान बर्दाश्त करने वाली नहीं है, अब कहीं ना कहीं फूटने वाला है। ये पटना क्या सड़क में कर रहे हैं, हम लोग पूरे माने बाहर बाहर में, गांव गांव घर में करवाएंगे हम लोग।
हर जगह आंदोलन हम लोग करेंगे। हमने कहा, लेकिन हमारे किसान भाई ने सर के सर के मार के माथा फोड़ दिया है। अनुशासन को भेद लगातार नहीं किया, इस देश को जानने की सोच दुनिया के साथ नहीं चलेगी। वो लाठी नहीं चलाना चाहिए, मगर ये एकदम नंग बेधड़ंग होकर एकदम तरबर तरीके से निर्ममता पूर्वक महिलाओं के ऊपर पुलिस पुलिसकर्मी ने लाठी चलाया। नीतीश कुमार से कहीं हमारा सवाल रहेगा, नीतीश कुमार तो प्रसन्न हो मगर कम से कम महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिसकर्मी गाली में दीजिए चाची, गाली में दीजिए, नहीं गाली नहीं देना चाहिए। माई के दूध पीकर प्रशासन बन के आया है, हमने बकरी का दूध पी ले, हम नीलो माई का धान पी, इसे बिल्ली का दूध पी के आए हैं, माँ का दूध पी के नहीं आए हैं, बिल्ली का दूध पी के आए हैं, दूध का दूध पी के आए हैं। इसके माँ बहन का अपना दर्द नहीं बुझ रहे हैं कि जेंट्सों के लेडीज पर लाठीचार्ज किए हैं, कितना अत्याचार मोदी कराया, मोदी के शरम आना चाहिए, आज का दिन में उसका गति छोड़ कर भागना चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दा, कहाँ से आया चाची, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, किसानों के आंदोलन को सफलता के लिए हम मांग करेंगे, आपसे भी मांग करेंगे कि केंद्र की सरकार को दिखाएं। वो कहते हैं कि बिहार में आंदोलन नहीं हो रहा, बिहार के किसान लोग खुश हैं, बिहार के लोग विरोध कर रहे हैं किसान का, लेकिन ऐसा सवाल नहीं है किसान के मुद्दे पर, वही सवाल यहाँ भी है, ये पूरे हिंदुस्तान की सवाल है, ऐसा नहीं है कि बिहार कोई अलग है। बिहार के लोग आज दिखा देना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि देख लीजिए बिहार में भी समस्या अनगिनत है, किसान के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जो गति वहाँ कर रहे हैं किसान लोग वो यहाँ की भी बातें रख रहे हैं, पूरे बिहार का रख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात रख रहे हैं, और उनकी बातों के साथ पूरे हिंदुस्तान के मजदूर और किसान उनके साथ है। आज देख लीजिए वहाँ दर्जनों लोग शहीद हो गए, ये कितनी दुख की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है। हम लोग हिटलर की बात करते हैं, ये हिटलर से भी गए गुजरे हैं, इनको घटवार कहा जाए, हम लोग हिंदी भाषा में ग्रामीण भाषा में उनको घटवार भी कहें तो वो कम होगा, उनको कहने के लिए हम लोग के पास शब्द नहीं रह गया है। ये तीन लोग सरकार चला रहे हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और एक जो अभी कृषि मंत्री हैं, ये तीनों मिल करके ये कौन है सर, कृषि मंत्री कौन है अभी, कृषि मंत्री कौन है, ये जो तोमर जी हैं, ये तोमर जी सिर्फ पहले दिन तो चार पांच दिन तक आप देखे होंगे कि तोमर जी का मुंह नहीं खुल रहा था, ये कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, वो सब महसूस कर रहे थे कि हमसे गलती हुई है, और जब गलती में पकड़े गए तो आज वो अपने छिपाने के लिए अपने दम खम पे ये तमाम लोगों को दिखा रहे हैं कि पूरे जनता, पूरे किसान, पूरे बिहार और राजस्थान और अन्य राज्यों के लोग हमारे साथ हैं। लेकिन मित्रों मैं बता देना चाहते हूँ, ये नकली किसान उनके साथ हैं जो उनकी वाहवाही में लगे हुए हैं, उनके 6000 रुपया दे देने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी, किसान की समस्या हल होगी उनके खेतों में हलों से, खेतों में खुरपी से, उनकी जितना पुलिस
सिपाही एसपी जो भी हो, इन लोग किसान के बच्चा नहीं है। बोलिए, किसान के बच्चा है इन लोग की नहीं है? तो जैसे किसान क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है हुआ? लाठी चलाया किस पे? पुलिस प्रशासन हो के गरीब महिला पर लाठी चलाया, चाहे महिला हो चाहे पुलिस हो, उसको सस्पेंड करना है। पुलिस को भी? हाँ, जो लाठी चला क्या वो पुलिस को सस्पेंड करना है, नहीं रहने देना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे मियां हो चाहे जो हो, उसको सस्पेंड करना। कहाँ से आए हैं? कन्हैया नगर से आया। कन्हैया नगर कहाँ? फुलवाड़ी सर विधानसभा से, कन्हैया नगर महाला, कन्हैया नगर विधानसभा फुलवाड़ी सर। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? अपना हक अधिकार के लिए आए हैं। काला धन, कौन सा काला धन? काला धन मोदी सरकार काला धन किया ना, सबको रुपया सबके काला धन करके वापस लेना है। हक अधिकार हमको मिलना चाहिए, रोजी रोटी हमको मिलना चाहिए, हम लोग का पूरा देश में विकास तो होना चाहिए। हत्या बलात्कार लूट खसो। तो अभी आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? बंद करना चाहिए, इसलिए आए हैं। 6,000 रुपया मिला है किसान वाला? 6,000 रुपया मिला है किसान वाला? नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं। उसी के लिए आए हैं? देखिए, उसके लिए आए हैं। पेंशन भी मिलता था, पहले बोला कि 500 रुपया दे रहे हैं, तो 500 रुपया नहीं मिला, 400 रुपया मिला। 400 रुपया कह रहे हैं कि 400 रुपया भेजते हैं, बैंक में जाते हैं तो 300 रुपया मिलता है। क्यों आती में पेपर में दे देते हैं कि 500 देते हैं, 1,000 देते हैं, मिलता है 300 रुपया। क्यों कहाँ होता है? बैंक से पूछते हैं, बैंक कहता है कि लिखित दो। अभी जो रोड जाम किए हुए आप लोग से क्या है? लाठी चार कर दिया, उसको सस्पेंड करेंगे। हमरो लगा लो चोट है, बुरी औरतों को, महिलाओं को मारा है। अब आ गया अडानी अंबानी, मामला सिर्फ आज खेती का है, कल देश का पुलिस भी प्राइवेट हो जाएगा, आर्मी प्राइवेट हो जाएगा, सड़क भी प्राइवेट होगा, संस्थान तो प्राइवेट हो ही गया है, हॉस्पिटल तो आप देख ही रहे हैं प्राइवेट। उसी के मार्फत ये अब जो बचा हुआ जो कृषि सेक्टर है, जो बचा हुआ जो अभी प्राइवेट हाथों में नहीं गया है, अब ये चाह रहे हैं कि इसको भी प्राइवेट हाथों में दे दे। इसमें जो सबसे खतरनाक है कॉन्ट्रैक्ट खेती, आप मिल की खेती की याद कीजिए अंग्रेजों के समय में, ही वो 1/4 हर किसान को ये वो कानून लागू था कि वो अपने खेत में 1/4 वो नील की खेती करेगा। वैसे ही ये भी लागू होने वाला है कि आपका जितना भी खेत है उसका एक हिस्सा आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब? जो छोटे बटाईदार हैं, जो छोटे सीमांत किसान हैं, जो दूसरे खेतों को बटाई पर लेकर बोते हैं, उनका जो जीविका है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और भारत बिहार में बड़ा हिस्सा जो है बटाईदार है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या है कि जो कंपनी कहेगी आपको वही बोना है, जिस रेट पे कंपनी कहेगी उसी रेट पे बेचना है, उसमें किसान कहाँ तो कंपनी राज। ओवरऑल अगर हम कहें ये तीनों बिल किसान विरोधी, जनता विरोधी, भारत विरोधी बिल है, उस बिल के विरोध में पंजाब में हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में ये आज किसान मार्च, राजभवन मार्च हम लोग का निकाला गया है, जिसमें हम लोग यहाँ हैं। और इस आंदोलन की पहुंच जाइएगा राजभवन। दिलचस्प बात सुनिए, 2006 में ही हमारे जो चचा हैं नीतीश कुमार, वो यहाँ पे एमएसपी खत्म कर दिए, एमसीपी खत्म कर दिए हैं, और बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम तो 2006 में खत्म कर दिए हैं। अरे भाई, तो देख लो ना किसानों का हाल क्या हो गया है। तुम 2006 में खत्म कर दिए तो किसानों की तुम्हारे बिहार में स्थिति क्या है? एक बड़ा हिस्सा जिसका अपना खेत है वो भी पलायन कर जा रहा है। क्या है? न पानी है खेत में, न खाद है, थोड़ा उपजा भी लिया। अभी आप मक्का का रेट पता कीजिए, 500 से लेकर 800 क्विंटल बिक रहा है। मक्का का मिनिमम समर्थन मूल्य कितना है? 1800। एक किसान आपको नहीं मिलेगा पूरे बिहार में जो 1800 रेट अपने रेट पर बेचा है। हमारा खेती है, हमारा मक्का अभी तक नहीं बिका है, हम 500 बेचे लगाए, 1000 बेचे 500 पर। ये बात है, इन तमाम ये जो आंदोलन है उस समर्थन में हम लोग छात्र संगठन से हैं, हम लोग भी किसान घर से हैं, किसान घर से होते हुए छात्र राजनीति में हैं, और इस बिल के विरोध में आज इस राजभवन मार्च में हैं। एक सवाल और भैया कि बहुत लोग कह रहे हैं कि छात्र संगठन वाले किसान को बरगला रहे हैं, कहाँ तक ये सत्य है? वही कह रहे हैं कि एक जो धारणा है कि किसान का मतलब फटा धोती पहनेगा, फटा लुंगी पहनेगा, वही किसान होगा। ये लोग चाहते हैं, जो कहने वाले लोग कि बरगला रहे हैं, वो चाह रहे हैं किसान वैसे ही रहे।
किसान का बेटा जींस ना पहनेगा, किसान का बेटा ठंडा जैकेट ना पहनेगा, जो जैकेट पहन के आया वो किसान ना है, जो धोती पहन के आएगा वही किसान है। पूछिए यानी पे पुलिस वाले कितने लोग हैं जो किसान परिवार से नहीं है, ज्यादातर लोग हमें ये भी एक अदद नौकरी के लिए है, सरकारी अपना जो आदेश है उसको पालन कर रहे हैं। इनके अंदर भी गुस्सा है, वो आने वाले दिनों में दिखेगा। आपका आर्मी का अलग अलग जगह पे लोग अपना जाहिर कर रहे हैं गुस्सा कि मैं किसान पुत्र पहले हूँ, किसान के साथ हूँ और तुम्हारा जो ये विरोधी नीति है उसको वापस लो। ये बहुत अफवाह है और इस आंदोलन को बरगलाने की कोशिश है कि हम लोग किसान आंदोलन को, हम लोग किसानों को कौन बरगला सकता है? जो 2400 घंटा सातों दिन 365 दिन खेत में रहता है उसको कौन बरगला सकता है? जिसको पता है कि कौन पक्षी उड़ेगा तो कब बारिश होगा, उस मबद से वो बारिश पकड़ लेता है, उसको कौन बरगला सकता है? तो जैसे मोदी बोले कि नोटबंदी से काला धन आएगा और वही ये बोल रहे हैं कि हम किसानों को अमीर बनाना चाह रहे हैं। अब किसान बोल रहा है कि भैया अब हाथ हम जोड़ लिए, तुम हमको अमीर मत बनाओ, जो मेरा है उसको रहने दो और तुम कर सकते हो तो एमएसपी को लागू करो। ये मुख्य सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग बरगला रहे, हम लोग इस आंदोलन के समर्थन में। क्या शुभ नाम आप अपना बता दीजिए? नाम विकास हुआ, छात्र संगठन आईसा के राष्ट्र सचिव है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और एक किसान फैमिली से हैं और इसलिए इस किसान आंदोलन में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 रुपए 3 रुपए ये कहाँ का न्याय है? कहीं से आपको न्याय संगत लगता है क्या? तो एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ी मांग है और उससे भी बड़ी मांग जो अभी गुलाम बनाने के लिए उन्होंने किसानों को लाया है, तीनों कानूनों को और उसके अलावा बिजली संशोधन बिल को उन्होंने पास करवा लिया है और सब नाटकीय ढंग से करवाते हैं। देखते हैं कि बहुमत है, किसी भी तरह से हम करवा लेंगे कभी, और ये जो विपक्ष के लोग हैं उनको किस तरह से, आपको अभी देखिए यहाँ बिहार के नीतीश जी कहीं चहेते हैं, आपको राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने कितनी नाटकीय ढंग से जो है सो उन्होंने पूरा कह दिया कि पास हो गया बिना कोई वोट करवाया, कैसे पास कर दिए आप कानून को? ये कितना बड़ा मजाक है लोकतंत्र का, आपने लोकशाही को कमजोर करने का काम किया है सारी एनडीए की सरकार ने, जो भी एनडीए के तत्व है और दूसरे लोग भी शामिल रहे हैं किसानों पर, जो है वो किसान पक्षीय सरकारें नहीं रही है, लेकिन इस सरकार ने किसानों की जो रीढ़ है उसको तोड़ने का काम किया है। और आज देखिए हम लोग जो विरोध किए हैं तो यही पुलिस वाले, महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं को इन्होंने जो है सो पीटा है, महिलाओं की शिकायत है कि उन्होंने पिटाई खाई है पुलिस से, तो इस तरह से पीटने का, पुरुष पुलिस को पीटने का क्या मतलब है? पिटवाया है आपको नीतीश जी ने, नीतीश जी को इसके लिए जो है सो आपको माफी मांगना चाहिए और नीतीश जी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, उनको पीटा है। लाठी चार्ज करने का क्या औचित्य है जब शांतिपूर्ण यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है? आप मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि आप देखिए यहाँ कोई भाला बरछा लेके आया है किसान, तो आप जब देख रहे हैं कि कोई उस तरह से हथियारबंद नहीं है तो ये हथियार लेकर के आप तरह तरह से उकसाने का काम क्यों कर रहे हैं? लाठी ऐसे ऐसे भाँचते हैं और महिलाओं को उसमें जो है सो खदेड़ रहे हैं, ये तो तर्कसंगत नहीं है। बाद में जब दबाव बना है तो 3-4 महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ ला दिया गया है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि पुलिस तो आपके सेवक हैं, पुलिस में से ही कह रहे थे, तो सेवक लाठी चलाता है? ये जो है आपको आंदोलन हमारा लंबा चलेगा जब तक कि सरकार झुकती नहीं है, सरकार झुकेगी और सरकार अपने अहंकार को कम करे और अहंकार में सरकार किसानों की अनदेखी ना करे, किसानों की जो अकूत आबादी बिहार में है, भारत में है, उसको जो है सो आपको ये नहीं किया जा सकता है। और अब दबाव से काम नहीं आएगा, अब आपको झुकना पड़ेगा और आप जितनी जल्दी झुकते हैं उतना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आपकी सरकार को 5 वर्षों का जनादेश मिला है, देश की जनता ने दिया है, उसको कोई अड़चन नहीं आएगा अगर आप इस कानून को वापस लेते हैं। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाते हुए, लोकशाही को मजबूत करते हुए, क्या लोकतंत्र का मतलब केवल वोट लेने से है और वोट देने मात्र से है? लोकतंत्र वहीं सिमटते चला जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ये प्रदर्शन विरोध ये भी लोकतंत्र का एक सबसे प्रमुख हिस्सा है, हमें सरकार को इन सबों को एड्रेस करने की जरूरत है और केंद्र सरकार तत्क्षण और नीतीश जी जो उनकी चाकरी में लगे हुए हैं उनको इसको जो है सो वापस लेने में सहयोग देना चाहिए, उनको अपना समर्थन वापस लेना चाहिए ऐसी सरकार से। धन्यवाद। विशेष खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिहारी न्यूज, तब तक के लिए धन्यवाद।